गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 बच्चों, आप पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें हमने आपको दो तीन रोगों से अवगत कराया था, जिसमें था उपार्जित रोग और विषाणुजनित मानव रोग, जिसमें विषाणुओं से होने वाले रोग थे जिनका नाम था इन्फ्लुएंजा और दूसरे बीमारी का नाम था साधारण जुकाम, जो कि राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु के द्वारा हो रहा था। और इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस 5 होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो हेपेटाइटिस ए है वो बहुत खतरनाक बीमारी है, यानी कि इससे पीलिया नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसमें शरीर की खून की कमी होने लगती है और शरीर पीला पड़ने लगता है, जिसमें रोगी की मृत्यु तक भी हो सकती है। आज हम उसी हेपेटाइटिस के आगे ही आपको लिखाएंगे, तो लिखेंगे हेपेटाइटिस किस प्रकार से फैलता है, तो हेपेटाइटिस के संचरण की विधियाँ लिखेंगे, हेपेटाइटिस संचरण, हेपेटाइटिस के संचरण की विधि, हेपेटाइटिस के संचरण की विधियां। देखिए हेपेटाइटिस किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से बढ़ता है, तो लिखें नंबर 1, हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु, हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और डी के विषाणु, जबकि हेपेटाइटिस बी और डी के विषाणु निम्न कारणों से होते हैं, जैसे दूषित रक्तदान से, यानी कि किसी को क्या हेपेटाइटिस हो गया, किसी को क्या दे रक्त दे दे, तो दूषित रक्तदान से, दूसरा संक्रमित साथी के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने से, दूसरा संक्रमित साथी के साथ संबंध स्थापित करने से, यानी कि संबंध बनाने से, यानी कि अगर वह संक्रमित है तो दूसरा व्यक्ति भी उससे संक्रमित हो जाएगा। नंबर 3, अपरा द्वारा संक्रमित माता से, नंबर 3 अपरा द्वारा संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु में इस प्रकार से हेपेटाइटिस बी और डी फैलता है। फिर लिखेंगे हेपेटाइटिस सी दूषित रुधिर चढ़ाने से फैलता है। नंबर अब लिखेंगे लक्षण, यानी कि इसके लक्षण क्या है, इस प्रकार से देखेंगे कि हेपेटाइटिस सबसे, तो लक्षण जब उसके दिखाई देने लगते हैं तो इससे भी पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस रोग है, जैसे ज्वर आना, उल्टी आना, यकृत यानी कि लीवर का बढ़ जाना, पीलिया आदि इसके सामान्य लक्षण हैं।
पीलिया आदि इसके सामान्य लक्षण हैं। अब लिखेंगे हेडिंग हेपेटाइटिस की परीक्षण। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस के परीक्षण हेपेटाइटिस के परीक्षण देखिए हेपेटाइटिस के परीक्षण जो होते हैं वे तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहला एसबीटी, दूसरा है एसजीपीटी और तीसरा जो सभी जानते हैं जिसे कहते हैं एलिसा। तो देखो ये तीन जो परीक्षण है इनके उनको अभी आपको बता रहे हैं, यानी कि जो पहला है जिसे हम कहते हैं SBT वो सीरम बिलीरुबिन टेस्ट, सीरम बिलीरुबिन टेस्ट, सीरम बिलीरुबिन टेस्ट। और जो दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है SGPT यानी कि सीरम ग्लूटामिक सीरम ग्लूटामिक पाइरूविक ट्रांस ट्रांसएमिनेज और जो आपका एलिसा है वह है विकर्ण सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। देखिए आपने यहाँ पर तीन टेस्ट देखिए, यानी कि हेपेटाइटिस की परीक्षा है SBT से यानी कि सीरम बिलीरुबिन टेस्ट से, दूसरा SGPT सीरम ग्लूटामिक पाइरूविक ट्रांसएमिनेज से, तथा एलिसा विकर्ण सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन से। तो ये थे हेपेटाइटिस के परीक्षण। अब निकालेंगे रोकथाम एवं उपचार। नंबर एक लिखेंगे खाद्य पदार्थ तथा जल को संदूषित होने से बचाना चाहिए। नंबर एक खाद्य पदार्थ तथा जल को संदूषित होने से बचाना चाहिए। नंबर सेकेंड शारीरिक संबंध बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर थ्री ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन वाले एवं कम वसा वाले भोजन का प्रयोग करना चाहिए अगला नंबर इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग करना चाहिए
इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। अगला नंबर, रोग की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस का टीकाकरण कराना चाहिए। रोग की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि यदि हेपेटाइटिस हो जाए तो किस प्रकार से हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है और किस प्रकार हेपेटाइटिस का उपचार या रोकथाम की जा सकती है। तो ये थे हेपेटाइटिस। अब हेडिंग डालेंगे डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। डेंगू बुखार, सभी जानते हैं कि डेंगू बुखार एडीज नामक मच्छर से फैलता है और जो इसके बचाव हैं, सभी जानते हैं कि हमें क्या बचाव करना चाहिए। तो जो डेंगू बुखार है वे है क्या? डेंगू बुखार देखिए बहुत ही खतरनाक बुखार है और ये मच्छर के द्वारा फैलता है, एडीज मच्छर के द्वारा। इसमें सबसे पहले इसको बचाने का उपाय जो यानी कि रोकथाम एवं उपचार है, हमें घर के आसपास विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर के आसपास कूड़ा करकट एकत्र नहीं होने देना चाहिए। कूलर या गमलों या पुराने बर्तनों में पानी एकत्र होने नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पर मच्छर न बैठ सकें और भी मच्छरों की संख्या को उत्पन्न ना कर सकें। अंधेरे जैसे स्थान है तथा नम युक्त स्थान है, वहाँ पर DDT का छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या हो कि वहाँ पे जो कीट जंतु हैं वे नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार जो जालियाँ होती हैं, जैसे आपके पास घर के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं और तो घर पे खिड़की होंगी, तो वहाँ पर हमें उसमें महीन जालियाँ लगा लेनी चाहिए, इससे हवा अंदर आ सके और कीट प्रवेश ना कर सके। देखिए अभी तक तो डेंगू की कोई भी विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है और इसमें जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षी होते हैं वे कम होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। जिसमें पैरासीटामोल है काफ़ी उपयोगी भी होती है और गिलोय भी है जो इसमें काफ़ी उपयोगी होती है। तो ये जो बुखार है इसके लक्षण क्या है वे भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें तीव्र बुखार, तेज सिर दर्द, नेत्र के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टियां होना, तो ये सब इसी के लक्षण हैं। किसके? डेंगू बुखार। इसमें जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षी होते हैं वे नष्ट होने लगते हैं। आपने सुना होगा कि जब डेंगू बुखार किसी को होता है तो उसमें बकरी का दूध, पपीते की पत्तियों का जूस, कीवी फल, पनीर और नारियल पानी जैसे पदार्थों को दिया जाता है, जिससे रोगी के प्रति जीवित स्वस्थ हो जाएं और उनमें बढ़ोतरी हो और डेंगू निष्क्रिय होने लगे। इसके लिए जैसे हमने आपको बताया था कि
हेपेटाइटिस के प्रयोग के लिए एक एलिसा जांच होती है। इसी प्रकार से डेंगू के परीक्षण के लिए भी एक एलिसा नामक एक टेस्ट भी होता है। तो ये था आपका डेंगू। और बच्चों, ये जो डेंगू बुखार है, जो कि डेंगू नामक वायरस से फैला हुआ है, इसके बारे में कल हम आपको लिखाएंगे डेंगू और चिकनगुनिया। तब तक के लिए आप ये हेडिंग नोट करें रहें, और बाकी जो लिखाया हुआ है उस पर आप ध्यान देते रहें, उसे पढ़ते रहें।